खारिज करेंगे, आप सीधे चलेंगे प्रधानमंत्री निवास जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवारजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी हुई है आज, और करीब 50 सदस्य नेताजी के परिवार के उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और साथ में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, और ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवारजन उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और परिवार के सदस्य और प्रधानमंत्री के बीच बातचीत का सिलसिला भी जारी है, जिसमें कि अपने मन की बातों को नेताजी के परिवार के सदस्य प्रधानमंत्री के सामने रखते हुए, और प्रधानमंत्री भी उनके तमाम बातों का प्रत्युत्तर जवाब देते हुए। आज तकरीबन 50 सदस्य नेताजी के परिवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 RCR दिल्ली में उनके आवास पर उनकी मुलाकात हुई है, और ये तीसरी मुलाकात है प्रधानमंत्री के साथ नेताजी के परिवार के सदस्यों के की, ये तीसरी मुलाकात, आज की ये मुलाकात तीसरी मुलाकात है, जिसमें कि सरकार की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। और करीब 50 सदस्य प्रधानमंत्री से मिलने उनके निवास स्थान 7 RCR गए नेताजी के परिवार के सदस्य, और तमाम बातें उनके साथ साझा की, उनकी बातों को सुना, अपनी बातों को रखा प्रधानमंत्री के सामने में, और प्रधानमंत्री के साथ उनके परिवारजनों की ये तीसरी मुलाकात है, ये आज की मुलाकात। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास भी मौजूद है। सुधाकर, क्या कुछ बातें हुई? जी बिल्कुल, 2 घंटे करीब बैठक चली है, और उसके बाद अभी बैठक खत्म हुई है, और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तमाम परिजन और साथ ही साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता और इस मुहिम से जुड़े हुए लोग थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारी सच्चाई सामने लाना चाहते थे, वो बाहर आ रहे हैं। लेकिन जो एक बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, 70 साल से जिसकी मांग की जा रही थी तमाम परिजनों की तरफ से, तमाम ऐसे देशवासियों की तरफ से जो नेताजी के बारे में तमाम सच्चाई जानना चाहते थे, उस मांग को आज भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भरोसा दिलाया है, ये कहा है इन तमाम लोगों को कि जो तमाम ऐसी सीक्रेट फाइल्स जिसको डिसक्लासिफाई करने की मांग हो रही थी, उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और 23 जनवरी को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, उस वक्त से कुछ फाइल्स डिक्लासिफाई किए जाएंगे, वो सार्वजनिक मंच पे रखे जाएंगे, सार्वजनिक तौर पे उसके बारे में लोग जानकारी ले सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी मांग स्वीकार कर ली गई है सरकार की तरफ से, जिस पर पिछले 70 वर्षों से पर्दा पड़ा हुआ था, ये असीम आप कह सकते हैं। और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, तीसरी बार ये उनकी तीसरी मुलाकात है पिछले 6 महीनों में, और उन्होंने एक जो वायदा है आज वो पूरा किया है, सीधे तौर पे जरूर कहा जा सकता है। वाकई सुधाकर, तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री या फिर कहें कि सरकार की तरफ से इस बात पर सहमति बन गई है सुधाकर, कि नेताजी से जुड़े वो तमाम फाइलें जो पिछले 70 सालों से बंद थी, उनमें क्या कुछ सूचनाएं
थीं उसको अब धीरे धीरे नेताजी के जयंती के बाद से उन तमाम फाइलों को सार्वजनिक किया जाएगा और लोग ये समझ पाएंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में, आखिर क्या कुछ हुआ था, किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी। सुधाकर दिसंबर में रशा से जी बिल्कुल असीम। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने ये भी भरोसा दिलाया, ये भी कहा है कि जो तमाम विदेशों में भी नेताजी से संबंधित जो फाइल है जिसकी मांग हो रही है उनको उन देशों को भी कहा जाए, वो मांग भी प्रधानमंत्री विदेशों के साथ रखेंगे, खुद उन मंचों पे उठाएंगे और उनसे भी मांग करेंगे कि नेताजी से संबंधित जो सीक्रेट फाइल्स हैं वो डिक्लासिफाई करे, वो भारत को सौंपे और उन फाइलों को भी जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे लेकिन सुधाकर एक सवाल, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर इन फाइलों को सार्वजनिक किया जाएगा तो जो कई बार बड़े नेता भी कह चुके हैं कि उनसे जो बाहर के देशों के साथ जो संबंध है हिंदुस्तान के भारत के, उस पर कुछ असर पड़ सकता है। जी बिल्कुल असीम, सीधे तौर पे अगर कहें तो पिछले 70 वर्षों में सिर्फ हुगली में नहीं, सिर्फ गंगा ही नहीं, दुनिया की जो तमाम जितनी नदियां हैं उसमें बहुत पानी बह चुका है और कुछ फाइलों की वजह से दो देशों के संबंधों पे असर पड़े ऐसा आज के युग में संभव नहीं है और इस बात को जरूर शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया होगा और उसके बाद ये एक वायदा उन्होंने पूरा किया है। एक जो मांग तमाम देशभक्तों, देश प्रेमियों की तरफ से रखी जा रही थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो भारत माता के महान सपूत, जिस तरह से जो योगदान उन्होंने भारत की आजादी के लिए दिया है, तो एक कहीं ना कहीं एक कर्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आज ये वायदा नेताजी के परिजनों से करके पूरा किया गया है कि जो तमाम उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई तमाम सच्चाई सामने आए, देश के सामने आए, देश के लोग ये जान सके। और सुधाकर जो विदेशों से फाइल मंगाई जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी फाइलें विदेशों में हैं, सरकार इस दिशा में अब आगे बढ़ेगी जी, उन सारी सूचनाओं को देश मंगाया जाए, वापस लाया जाए। जी बिल्कुल असीम, सीधे तौर पे जो दो प्रमुख मांग थी जो आज ये परिजन रखने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, यही दो प्रमुख मांग थी। एक जो देश के भीतर 100 से ज्यादा जो क्लासिफाइड फाइल, सीक्रेट फाइल्स की जो बात की जा रही थी, जिसके बारे में तमाम तथ्य हैं, उस वक्त कुछ हुआ था, किस तरह का पूरा घटनाक्रम था, उसको सार्वजनिक किया जाए, डिक्लासिफाई किया जाए और साथ ही साथ नेता जी के बारे में, चूंकि जानकारी ये है कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी, लेकिन उस दौरान उनका जो मौत से पहले जो उनका प्रवास रहा था और पूरा घटनाक्रम जो विदेशों में उनके प्रवास का क्या था और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था, तो उसके बारे में काफी कुछ जानकारियां रूस, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन, इन तमाम मुल्कों में, जर्मनी, इन तमाम मुल्कों में मौजूद है और वो फाइल भी भारत लाने की उसको कोशिश की जाएगी। ये आग्रह तमाम उन सरकारों के साथ किया जाएगा जिसकी शुरुआत रूस के साथ होगी। और इसका मतलब ये भी हुआ सुधाकर कि जो विदेशी सरकारें हैं वो इस बात पर राजी हो गई हैं इस मोदी सरकार के साथ कि हमारे पास जो भी फाइलें हैं नेताजी से संबंधित, हम वो साझा करने के लिए, हम वो देने के लिए हिंदुस्तान को तैयार हैं। जी बिल्कुल असीम, एक चीज ये भी कही जा सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सबसे पहले नेताजी के परिजनों से मिले थे वो अप्रैल का वक्त था, जर्मनी में उनकी मुलाकात हुई थी नेताजी के ग्रैंड निफ्यू से, उसके बाद उनकी मुलाकात मई में कोलकाता में नेताजी के कई और परिजनों से हुई और ये उनकी जानकारी में था और ये तमाम चीजें उनपे, ये भी मुमकिन है कि काम वो कर रहे होंगे और निश्चित तौर पर जिस भरोसे के साथ प्रधानमंत्री ने नेताजी के परिवारजनों को और देश को भी ये भरोसा दिलाया है तो उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि जब जयंती नेताजी की 23 जनवरी को जब होगी तो उस वक्त काफी कुछ जानकारियां, सूचनाएं पूरे देश के सामने होगी भारत माता के इस महान सपूत के बारे में। वाकई तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सुधाकर आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा की गई, इस बात का ऐलान किया गया है कि नेताजी से जुड़ी वो तमाम फाइलें जो सीक्रेट फाइलें इसको कही जाती थी, वो सीक्रेट फाइलें नेताजी के जन्मदिन के मौके पर उनको सार्वजनिक किया जाएगा और वो तमाम जानकारियां जिसको लेकर कि हिंदुस्तान और पूरा विश्व जानना चाहता है नेताजी से संबंधित, वो तमाम जानकारियां, वो तमाम सूचनाएं
कि आखिर किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, उस मौत से पहले की क्या कुछ स्थिति थी, उसके बाद क्या कुछ हुआ, उन तमाम फाइलों को, उन तमाम सूचनाओं को उनके जन्मदिन के मौके पर 23 जनवरी को यानी अगले साल 23 जनवरी 2016 को सरकार की तरफ से नेताजी से जुड़ी उन तमाम सूचनाओं को, उन तमाम फाइलों को सार्वजनिक किया जाएगा। और अब से कुछ ही देर के पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से नेताजी के जो परिवार के सदस्य हैं, तकरीबन 50 लोग उनके परिवार की तरफ से आए थे और आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद ही सरकार ने ये फैसला लिया है, हालांकि इससे पहले भी सरकार ये मन बना चुकी होगी और इसके बाद से औपचारिक तौर पर सरकार ये कह रही है कि हम अब नेताजी के जन्मदिन के मौके पर यानी 23 जनवरी को अगले साल नेताजी से जुड़े उन तमाम सूचनाओं को, उन तमाम जानकारियों को हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक हम करने जा रहे हैं ताकि लोगों को ये जानकारी हासिल हो सके, जानकारी मिल सके कि आखिर उन फाइलों में क्या कुछ सूचनाएँ, क्या कुछ जानकारियाँ छुपी हुई हैं। और सुधाकर